हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएससी टीचर सोनू कसाना एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर और मेकिंग द फर्दर रीड ऑफ दिस चैप्टर। ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। जो हिस्टोरियन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं लर्न अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड, उस काल पर निर्भर करता है ऑफ देयर स्टडी, उनके अध्ययन का, एंड द नेचर और प्रकृति का ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, उनके इन्वेस्टिगेशन के तरीके का, उनका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके का है, उनकी किस तरह की पढ़ाई है, ये अध्ययन जो है निर्भर करता है उस काल पर, पीरियड पर। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले साल के लिए हम पिछले साल की बात करें, यू रीड अबाउट द रूल्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, आपने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, एंड हर्षवर्धन और हर्षवर्धन के बारे में। इन दिस बुक्स वी विल रीड, इस किताब में हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर, आने वाले अगले 1000 साल, फ्रॉम रफली 700 टू 1750, यानी 700 से 1750वीं तक। यू विल नोटिस सम कॉन्टीन्यूटी इन द सोर्सेज, तुम सोर्सेज में, स्रोतों में कुछ थोड़ी कॉन्टीन्यूटी यानी कि सततता, लगातार चीज़ें नोटिस करोगे। यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियन ने प्रयोग की, फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के अध्ययन के लिए। दे स्टिल रेले ऑन कॉइन्स, वे अभी भी कॉइन्स पर निर्भर थे। इंस्क्रिप्शंस पर, लिखावटों पर, जो पत्थर पर या जो धातुएं होती हैं उन पर जो लिखा जाता है कुरेद करके, है ना, इंस्क्रिप्शंस पे। आर्किटेक्चर, कला सभ्यता, जो हमारे जिस तरीके से घर बने होते हैं, ठीक है, भवन निर्माण कला। एंड टेक्स्टुअल रिकॉर्ड्स, और जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं उन पर, फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए। बट देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, लेकिन आपको एक कंसिडरेबल यानी जिस पे विचार किया जा सकता है, ऐसी एक डिसकॉन्टिन्यूटी भी दिखाई देगी। The number and variety of textual records, संख्या और विभिन्नता जो है लिखित records की, increased dramatically, वो मतलब एक अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है। dramatically कहते हैं drama, जैसे drama कहा जाता है ना, उस तरीके से बढ़ जाता है during this period, इस समय के दौरान। They slowly displaced other types of available information, और वे धीरे धीरे ना हटा देते हैं अवेलेबल इंफॉर्मेशन के टाइप्स को। थ्रू दिस पीरियड, इस काल के दौरान, पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर अवेलेबल, जो पेपर था, कागज था, वो ज़्यादा सस्ता और अवेलेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक आपको दिखाया गया है बॉक्स, इस बॉक्स में समझाया गया थोड़ा विद द वैल्यू ऑफ पेपर के बारे में, पेपर की कीमत के बारे में। तो ये कंपेयर किया जा रहा है 13th century और 14th century के बीच में, कि 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में पेपर में क्या डिफरेंस था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्ट, दैट इज इन द मिडल ऑफ द 13th century अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक। मिडल में एक 13th century के एक स्कॉलर थे, स्कॉलर विद्वान, कोई विद्वान वॉन्टेड टू कॉपी ए बुक, एक बुक को कॉपी करना चाहते हैं थे। बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, लेकिन उनके पास क्या है, पेपर नहीं है पर्याप्त मात्रा में, पेपर की कमी है। सो
ही वॉच्ड द राइटिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन इसलिए उसने क्या किया, जो उसने पहले हाथ से लिखी हुई जो उसके पास एक किताब थी, ही डिड नॉट वांट, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, ड्राइड द पेपर एंड यूज इट, उसने उसे वॉश कर दिया, धो दिया और पेपर को सुखाया और उसे ही इस्तेमाल कर लिया। आप समझ सकते हैं कि कितनी कमी थी पेपर की, पेपर उस समय इजीली अवेलेबल नहीं था, सो उसने ऐसा किया। देन द सेकेंड वन इज अ सेंचुरी लेटर, 100 साल बाद, इफ़ यू ब्रॉट सम फूड इन द मार्केट, यू कुड बी लक्की एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन द सम पेपर। एक सेंचुरी बाद, एक शताब्दी बाद, इफ़ यू बॉट सम फूड, अगर तुमने कुछ खाना के लिए ख़रीदा, जैसे मान लो समोसा पकौड़ी इस तरह की कोई चीज़ें, इन द मार्केट बाज़ार से, यू कुड बी लकी, तुम अगर भाग्यशाली हुए, एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन द सेम सम पेपर, हो सकता है कि जो दुकानदार है वो आपको इस खाने के सामान को कागज़ में लपेट करके दे। वेन वॉज पेपर मोर एक्सपेंसिव, क्या समझते हो कि पेपर कब ज़्यादा महंगा था एंड ईजली अवेलेबल, और कब ज़्यादा आराम से मिलने लगा, इन द 13th और द 14th सेंचुरी, 13वीं या 14वीं शताब्दी में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आपको करना है इसको, अपनी नोटबुक में नोट करना है, इसका आंसर भी लिखना है, ठीक है, ऊपर के पैराग्राफ के बेस पे ही लिखना है, एंड आपको मुझे भेजना भी है ये। ओके स्टूडेंट्स, मूव फॉर द यस वाइडली अवेलेबल, ये ऊपर वाली लाइन का बचा हुआ था जो मैंने पहले बोल दिया था। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, पेपर का इस्तेमाल जो है लोग होली टेक्स्ट यानी कि ग्रंथ या ऐसी चीज़ें जो पवित्र चीज़ें थी, पवित्र शब्द लिखने के लिए करते थे। क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, जो शासक थे उनके मतलब उनके क्रॉनिकल मीन्स उनकी बड़ाई लिखने के लिए, उनको यश गान करने के लिए। लेटर्स, पत्र लिखने के लिए। एंड टीचिंग ऑफ सेंट, और साधुओं की शिक्षाओं को लिखने के लिए। पिटीशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, पिटीशन कहते हैं मतलब अर्जी, किसी अर्जी को, और जुडिशियल रिकॉर्ड्स यानी कि न्यायिक अभिलेख, यानी जो किसी के लिए निर्णय किया गया है, कोई न्याय दिया गया है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स, और राजस्व, और राजस्व का देखभाल करने के लिए अकाउंट्स लिखने, खाता लिखने के लिए भी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाई वेल्थी पीपल, जो धनी लोग थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करते थे, जो हस्तलिखित लिपि थी उन्हें वो खरीद करके रख लेते थे। रूलर्स, जो शासक थे वो रखते थे। मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, मोनेस्ट्री रखते थे और टेम्पल्स वगैरह भी रख लेते थे। दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरीज, उन्हें लाइब्रेरीज में रखा जाता था। एंड आर्चीव्स, और आर्चीव्स में, आर्चीव्स मीन्स हाँ यहाँ पे आ रहा है ये, देख लीजिए, आर्चीव्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट इज़ आर्चीव, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड टुडे, एक जगह जहाँ डॉक्यूमेंट यानी कागजात एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स और हस्तलिखित कुछ किताबें स्टोर्ड की जाती हैं, रखी जाती हैं। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव्स, आज हर नेशनल यानी राष्ट्रीय एंड स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकारें सभी के पास क्या है, आर्चीव्स हैं। दे कीप ऑल दियर ऑल ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वे अपने सभी पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को कहाँ रखते हैं, एंड ट्रांजेक्शन्स को, आर्चीव्स में, ठीक है, आर्चीव्स में ही सब रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, दीज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट और रिकॉर्ड्स थे ये
दीज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल्स इंफॉर्मेशन। इन मैन्यूस्क्रिप्ट में और कागजातों में बहुत सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखी जाती थी टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के लिए। बट दे आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन उन्हें प्रयोग करना बड़ा मुश्किल है। ओके, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उन दिनों में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, इसलिए स्क्राइबर्स होते थे। स्क्राइबर्स क्या होते थे? जो हाथ से नकल उतारते थे, वो नकल उतारने वाले होते थे, वही हाथ से दूसरी कॉपी बनाते थे। मतलब कॉपी मतलब एक किताब लिखी गई, सेम उसके तरह की किताब लिखना, उसे कॉपी करना होता है। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, अगर कभी आपने अपने मित्र की, अपने फ्रेंड की कॉपी से होमवर्क को लिखा हो, कॉपीड मीन्स लिखना भी होता है, और कॉपीड मीन्स कॉपी होता है रजिस्टर कॉपी, और कॉपीड मीन्स होता है लिखना। कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क, अगर आपने अपने फ्रेंड के होमवर्क की कॉपी की होगी कभी, यू वुड नो, तुम्हें पता होगा दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज, ये आसान काम नहीं है, है ना, बड़ा मुश्किल है दूसरे की चीज़ों की कॉपी करना, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, किस तरह से बनाया हुआ है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। समटाइम्स यू कॉन्ट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, कई बार क्या होता है, तुम अपने मित्र के हस्त लेखन को पढ़ नहीं पाते हो, हैंड राइटिंग को समझ नहीं पाते हो, एंड आर फोर्स टू गैस वाट इज़ रिटन, और केवल आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आप लिखा हुआ क्या है। फोर्स टू गैस, गैस मीन्स होता है अंदाज़ा लगाना, और फोर्स कहते हैं ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती अंदाज़ा लगाया जाता है कि लिखा क्या है। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, और रिजल्ट के रूप में, परिणाम स्वरूप, देर आर स्मॉल छोटियाँ बट सिग्निफिकेंट लेकिन महत्वपूर्ण डिफरेंसेस अंतर आ जाते हैं इन योर कॉपी, आपकी कॉपी में, ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, और आपके मित्र के काम में, जो आपका मित्र का काम है उसमें और आपकी द्वारा की गई नकल में कुछ अंतर आ जाते हैं, जो छोटे होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जिनसे मतलब बदल जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपीइंग अ समवाट सिमिलर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी इसी तरह की कुछ समान नकल करना है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जैसे कि स्क्राइबर्स क्या करते थे, वो कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस, उसमें वे भी अपने थोड़े से बदलाव करके लिखते थे। अ वर्ड हेयर, कहीं कहीं एक शब्द, अ सेंटेंस देयर, और कहीं कहीं एक पूरा वाक्य। दीज स्मॉल डिफरेंसेज ग्रीव ओवर कंट्रीज, सॉरी ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपीइंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सबस्टेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द अदर, और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, ये जो चेंजेस थे, दीज स्मॉल डिफरेंस, ये छोटे छोटे जो अंतर थे, ये बढ़ते चले गए शताब्दी दर शताब्दी, जब तक कि उन मैन्यूस्क्रिप्ट को हाथ से लिखा जाता रहा। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये महत्वपूर्ण, ये बहुत ही जटिल समस्या है, बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, हम मुश्किल से ही ढूंढ पाते हैं जो पहली हस्तलिखित कॉपी है, जो सबसे पहले लिखा मूल लेखक ने जो लिखा, मूल लेखन, उसे हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ सकते हैं, ऑफ द ऑथर टुडे, जो आज हम उसे बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाते हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज, हम केवल उन कॉपीज पर निर्भर हैं, मेड बाय द लेटर स्क्राइबर्स, जो बाद में नकल उतारने वालों ने लिखी। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, और परिणाम स्वरूप हिस्टोरियंस क्या है, हैव टू रीड, उन्हें पढ़नी पड़ेंगी डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेंगी, वर्जन्स, अलग अलग वर्जन पढ़ने पड़ेंगे उन मैन्यूस्क्रिप्ट के, ऑफ द सेम टेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट के, टू गैस, अंदाजा लगाने के लिए, व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, कि ऑथर ने, लेखक ने मूलतः लिखा क्या था। ऑन ओकेजन ऑथर रिवीज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, ऑन ओकेजन, इस ओकेजन पे ऑथर्स ने, जो ऑथर्स थे, रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, उन्होंने अपने अपने जो क्रॉनिकल्स हैं, जो लिखी हुई चीज़ें थी,
खुद भी उनका रिविजन रिवाइज किया है, उन्होंने दोबारा उन्हें लिखा गया है। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल्स, जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356। 14वीं शताब्दी में लिखा गया जो क्रॉनिकल था जियाउद्दीन बर्नी का, उसने पहले वो 1356 में लिखा, एंड अनदर वर्जन 2 ईयर लेटर, और दूसरा 2 साल बाद लिखा। 14वीं शताब्दी में पहला जो उसने लिखा एडिशन वो 1356 में, और दूसरा 2 साल बाद यानी 1358 में लिखा। टू डिफरेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, और दोनों में एक दूसरे से बहुत अंतर है। बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। लेकिन पहले वाले का उन्हें हिस्टोरियंस को, जो लेखक थे इतिहासकार थे, उन्हें 1960 तक पहले वाले का पता ही नहीं था। इट रिमाइंड लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, किसी बड़ी लाइब्रेरी में ये पड़ा रहा, खो गया था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ये सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप नए, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। तब तक के लिए आपको होमवर्क में पहली चीज़ें तो आपको लिखनी है कि ये वाला, यस अर्चीव, यू हैव टू राइट द व्हाट इज अर्चीव, ओके। ये अर्चीव, ये नोट है एक तरह का, अर्चीव क्या होता है लिखना है आपको। एंड द सेकेंड थिंग, यू हैव टू राइट दिस कम्प्लीटली, ओके। फर्स्ट सेकेंड एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन ऑल्सो, वे वैन वॉज पेपर मोर एक्सपेंसिव अवेलेबल ईजली अवेलेबल इन द 13th एंड 14th सेंचुरी, ओके। 13वीं और 14वीं शताब्दी में कौन सी में पेपर ज़्यादा आसानी से अवेलेबल था। यू हैव टू आंसर दिस एंड सेंड द होमवर्क टू मी एज सून एज पॉसिबल, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।